हेलो, नमस्कार। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया के पेज पर। और आप सभी को पता ही है कि अलग अलग सीरीज़ लेके हम आपके आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं। बहुत 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 बड़े कलाकारों को लेके आते हैं। और जहाँ पे विरासत, संवाद और मिसाल ऐसी सीरीज़ लेके हम आए थे, और आज का जो एपिसोड है वो विरासत का 7th एपिसोड है। और फर्स्ट एपिसोड किया था तो वेरी टैलेंटेड ईशान घोष वॉज देयर। एंड अभी आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत बड़े हैं और हम सब लोग उनको जानते हैं। तो एक क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता ही है कि हम अलग अलग सीरीज़ लेके अलग अलग कलाकारों को आपसे मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे हमें बहुत सी बातें पता चलती है जो कि संगीत सीखने वालों को, सभी शिष्यों को वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उनके अनुभव और उन्होंने जो सीखा है वो हम सबसे वो शेयर करते हैं। तो चैतन्य देशपांडे, जिन्होंने ये क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया पेज वो ऑर्गेनाइज़र है इस पेज के, और इसका जो इनाग्रेशन था वो तालियों की पंडित सुरेश तलवलकर जी इन्होंने किया था। तो इन सब लोगों के ब्लेसिंग्स लेके हम चल रहे हैं। तो आज की हमारी जो गेस्ट है, दो गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, दो सिस्टर्स। और आपको पता चला ही होगा कि कौन होगी वो, जो बहुत ही हर घर में उनका गाना हम सुनते हैं, और इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंदिनी अंगद गायकवाड़ एंड अंजलि अंगद गायकवाड़, सो ये दोनों हमारे साथ आज बातचीत करने वाले हैं। उनका एक्सपीरियंस, रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस, उनका रियाज और वो कैसी सीखती हैं, ये सब बातें हम उनसे सुनेंगे और गाना भी सुनेंगे। तो एक्चुअली बायोडेटा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि हमें सबको पता है। पर जो थोड़ा सा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहले हम उनको दोनों को भी हम बुलाते हैं और फिर हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यस, हम दोनों को ऐड करते हैं। हेलो, हाय अंजलि, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, अंजलि को, नंदिनी को भी मैं ऐड करती हूँ और फिर शुरू करेंगे। या हेलो हेलो, हेलो 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 नंदिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड।
तो अभी मैं वही बता रही थी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताऊँ, अभी पूरा एक घंटा चला ठीक जाएगा तो एक तुरंत बता देती हूँ। तो हमारी एक गेस्ट है नंदिनी अंगद गायकवाड़। शी इज़ ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एंड स्टडिंग इन 12th क्लास। बहुत सारे प्राइजेस है कॉम्पिटिशन के, पर मैं कुछ अवार्ड्स बताती हूँ अभी। रिदम एकेडमीज एक्सेलेंस अवार्ड, बाल संगीत रत्न पुरस्कार, स्वरानंद रत्न पुरस्कार, शाहू मोड़क पुरस्कार, अवॉर्डेड बाय सीएम ऑफ महाराष्ट्र फॉर विनिंग मराठी रियलिटी शो संगीत सम्राट, एंड अवॉर्डेड बाय सीएम ऑफ यूपी। तो ये बहुत बड़े पुरस्कार है जो नंदिनी को मिले हैं। और प्रोग्राम्स और कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं, हम सोशल मीडिया से आप दोनों से जुड़े रहते हैं तो हमें पता चलता है अपडेट्स, तो दैट्स वंडरफुल। एंड देन द सेकेंड गेस्ट इज अंजलि अंगद गायकवाड़। शी इज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, ओ माई गॉड, एंड 15 15। ओके, आपका बायोडाटा में 13 है, पर आपका गाना सुन के मतलब 15 भी नहीं लगते आप। ओके, तो अंजलि पता ही है कि अभी रिसेंट जो इंडियन आइडल हुआ था आपका यूट्यूब थोड़ा पर, सा आवाज तो वो कम आ रहा है, तो थोड़ा सा कैन यू प्लीज। ओके ओके, नाउ इट्स बेटर। या या सो अंजलि रियलिटी शो के थ्रू हमारे सब लोगों के घर पे उनका गाना हम सुनते थे, और इंडियन आइडल की वो फाइनलिस्ट है। एंड उसे अंजलि को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसमें जो है बाल संगीत रत्न पुरस्कार, छोटा गंधर्व पुरस्कार, स्वरानंद रत्न पुरस्कार, रिदम म्यूजिक एकेडमी द्वारा एक्सेलेंस अवार्ड, महाराष्ट्र के दैनिक लोकमत वार्ता पत्र का स्वर ज्योत्सना पुरस्कार। ये बहुत बड़े पुरस्कार है और ये भी अंजलि को मिले हैं। और नेहा कक्कर के साथ हमने दुबई में परफॉर्म किया था, राइट? तो वाव वाव, दैट्स ग्रेट। तो यस, ये बहुत ही शॉर्ट मैंने कुछ कुछ मैंने सिलेक्ट किए थे, वही मैंने बताया है। वैसे तो बहुत है। और आप दोनों ही, आपके पिताजी श्री अंगद जी गायकवाड़, इनसे गाना सीख रहे हैं, तो वो ही आपके गुरु भी है। तो यस, नंदिनी थोड़ा बताइए कि बचपन से कैसे गाने गाने का जो संस्कार होता है वो कैसे हुआ, और कैसा था बचपन का गाने का सफर? फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया फॉर इनवाइटिंग अस, एंड स्वागत है सभी दर्शकों का जो अभी देख रहे हैं। मैं अभी आंसर देती हूँ। बचपन हमारा दोनों का साथ में गया। ऑब्वियसली हम दोनों बहनें हैं तो घर में पापा क्लासेस लेते थे संगीत के, और घर में वो चलता था, सब गाना वाना वो सब चलता था। तो वो कान पे पड़ते गया और वो सुन सुन के, और वो मतलब सुन सुन के उसका आदत हो गया, और हमें भी पता नहीं चला कि हम कब गाने लगे। तो पहले तो मैं गाने मतलब गाने की शुरुआत मैंने की, मैं ऐसे ही गाती थी। और पापा को लगा कि एक दिन पापा ने सुना कि मैं कुछ गुनगुना रही थी, और उन्होंने सुना और उनको ऐसा लगा कि बच्ची गा सकती है। पता नहीं क्या गाया था मैंने, लेकिन कुछ तो गाया होगा कि उसे उनको पता चला या उनको लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए और ये गा सकती है। तो मैंने शुरू किया और पापा ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया उस टाइम से। और उसके बाद फिर अंजलि मेरा मतलब वो कहते हैं ना कि बड़ी बहन का अनुकरण करते हैं छोटे लोग, तो वो यस तो वो छोटी बहन थी, तो इसलिए वो मेरा बात है। मतलब
मतलब मेरा सुन सुन के उसने सुन भी कर शुरू वो, किया। या वाओ, वेरी यस नाइस. अंजलि, यू यस वांट टू टेल समथिंग? यस, मेरा भी सफर यहीं से शुरू किया गया एंड मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मुझ में भी वो सुर था, पापा को लगा गा सकती है, सो उन्होंने हम दोनों को सिखाना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे हमें गाने में रुचि आने लगी एंड खासकर क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा पसंद आने लगा, बंसुरी हो या राग हो, हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम ऐसे जॉयफुल सॉन्ग सुनते एक मतलब जो छोटे से सुनते हैं, तो पापा ने हमें मतलब राग सुनाना शुरू किया, बंदिश हो, तो हमने वहां से ही संगीत का शुरू हो गया एंड हम सीखते गए और अभी भी सीख रहे हैं। वाओ, या मैं जानती हूँ अंगद जी गायकवाड़ काका को, तो वो बहुत ही कमाल के, वो खुद म्यूजिशियन है, तो कोई डाउट ही नहीं कि वो बहुत अच्छी तरह से आप सीख रहे हैं। और थोड़ा सा रियाज के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा रियाज फिर वो आपसे करवा लेते थे और क्या डिसिप्लिन था? एकेडमिक्स भी करना था, स्कूल भी, पढ़ाई भी, और रियाज भी, तो प्रोग्राम्स भी। आपके जर्नी बहुत आप बहुत छोटे थे वहां से शुरू हो गए, राइट? तो कैसे वो बैलेंस किया आपने और क्या वो एक डिसिप्लिन था कि रूटीन क्या था आपका, नंदिनी? हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि बचपन से ही शुरू हुआ था, तो तब से ही मतलब पापा ने कुछ छोटी छोटी बातें बताना शुरू किया। वो बोलते हैं ना कि मतलब उस एज में होता है ना, तो कुछ समझ भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो जो पापा या मम्मी जो कुछ भी बोलते हैं वो सुन के उसको सिर्फ करना, यही दिमाग में होता है। और मेरे को तो लगता है ये भी नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं इसलिए हम करते जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मैं बहुत मतलब आई वुड लाइक टू टेल दिस कि मैं जब 4 साल की थी तब मैंने मेरा पहला कंपटीशन जीता था, कि वो आई थिंक वो स्टेट लेवल कंपटीशन था, और वहां पे मैंने सुमन कल्याणपुर जी का आकाश है पांगुरिनी जगह शांता झोपले, ये गाना मैंने गाया था। और मुझे गाना पर्सनली बहुत पसंद था, मैं सुनती थी, और मुझे मतलब पापा को लगता नहीं था कि ये गाना मैं गा पाऊंगी या नहीं, पर ऐसे ही मैंने सुन सुन के फिर मैंने वो गुनगुनाना शुरू किया। फिर पापा को लगा कि गा सकती है, तो पापा ने मेरे को वो गाना सेट किया, बिठाया, और उसके बाद मैंने वो गाना सीखा अच्छे से, और 4 साल की उम्र में मैंने वो गाना गा के मैं स्टेट लेवल कंपटीशन में प्राइज लेके आई। उस टाइम तो कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा ज्यादा लगता नहीं था, लोग अच्छा बोलते थे, तो वो एक बात है। और आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए, वैसे कुछ छोटी छोटी बंदिशें हैं, स्वर अलंकार है, और कुछ पलटे है, तो ये सब करते करते थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे हम बढ़ते गए। और सॉरी, यस, तो ये किया हमने, और उसके बाद ख्याल गायकी हमने शुरू किया। पापा ने मुझे पहला यमन सिखाया, तो यमन में हम बहुत बहुत दिनों तक हमने यमन का प्रैक्टिस किया, उसका ही प्रैक्टिस किया, और उसमें फिर ख्याल बिठाया, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तो ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहा। और उस बीच में क्या होता था, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम आते थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स ज्यादा करते थे हम उस टाइम, तो कॉम्पिटिशन्स को जाना पड़ता था, तो स्कूल ज्यादा नहीं हो पाता था, तो हमको, हम बहुत छोटे थे, तो ऐसा लगता था कि अरे स्कूल होना चाहिए, या क्यों पापा बार बार बीच स्कूल में लेके जाते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए, ये क्यों ऐसा इतना, तो क्योंकि मेरे को लगता है महीने में एक दो बार तो हम कंपटीशन में जाते ही थे,
ऐसा होता था कि अरे फिर स्कूल कब होगा, फिर पढ़ाई कब होगी, फिर वो जो होमवर्क दिया है तो वो पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मतलब टीचर्स क्या बोलेंगे, तो ये सब दिमाग में होता था। पर उस टाइम समझता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी समझता है, अभी सब अच्छा, अभी उसका अच्छा हुआ। मेरे को लगता है। यस अंजलि, यस, दीदी ने जो बताया रूटीन, मतलब हम सीखते गए, वैसे वैसे थोड़ा सा रूटीन बन गया। सुबह उठ के दोनों, हम दोनों साथ में रियाज करते हैं, तो सुबह उठ के रियाज करना, तब सुबह हाँ दोनों रियाज करते हैं। उसके बाद स्कूल से आके फिर से थोड़ा सा होमवर्क करना, उसके बाद थोड़ा सा बंदिश गाना, हमारे पास जो गाने हाँ तो वो रियाज करना। सो ऐसा हमारा थोड़ा सा रूटीन। बीच बीच में कुछ प्रोग्राम्स होते थे तो जाना, तो कभी कभी यस, थोड़ा तो सा वो एक रूटीन सेट हो गया था, हाँ, वो कि नॉर्मल हाँ लाइफ हो गई थी, राइट? यस बराबर। एंड पहला हमारा रियलिटी शो था, एक मराठी था, संगीत सम्राट, तो हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। यस, तो वो एक फर्स्ट शो था, वहां से हमारा मतलब रियलिटी शो की जर्नी हुई वहां। एंड वहां से बहुत सीखने को मिला। उसके बाद मैंने सारेगामापा में पार्टिसिपेट, एंड दीदी तब टॉप 9 तक थी, मैं उसकी विनर थी। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, एंड बहुत मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस वक्त, बहुत अच्छा लगा था। एंड इंडियन आइडल पार्टिसिपेट, एंड वो एक मेरा एक पॉइंट मैं कहूँगी, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, एंड उसमें सब मतलब महाराष्ट्र ही, पूरे भारत में से मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे सिंगिंग को बहुत लोग पहचाने, खासकर क्लासिक, मतलब बहुत क्लासिक म्यूजिक आपकी वजह से मुझे ज्यादा पसंद लगा, बहुत कुछ सीख रही हूँ पता। तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक के लिए कर रहे हैं, तो आगे लेके जा रहे हैं। बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड वही मैं आगे भी कर रही हूँ। एंड मेरा यही मतलब मैं ट्राई है कि मैं खुश कर सकूँ, हमारी सिंगिंग से आनंद दे सकूँ, करती है। वाह वाह, ग्रेट। और ये जर्नी आप दोनों भी बहुत एंजॉय करते हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो इसलिए वो जो एनर्जी होती है वो लाइफ लॉन्ग फिर राइट वो हमारे साथ होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नंदिनी, अभी गुरु पूर्णिमा हो गई, तो मैं और जी थोड़ा सा बताना, मुझे और थोड़ा सा सुनना है गुरु के बारे में, कि क्योंकि आपके पिताजी श्री अंगद जी गायकवाड़, वो आपके पिता भी है और गुरु भी है, तो जी कैसा होता है उनका, मतलब एक पिता और एक जब वो गुरु वो सिखाते हैं तब वो कैसे होते हैं, और जब एक फादर के रोल में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा। पिता और गुरु, मैं पहले तो ये कहूंगी कि ये दोनों बहुत अहम रोल है हमारे जिंदगी में, और वो एक ही इंसान के थ्रू हम दोनों को मिले हैं, तो इस चीज के लिए तो मैं बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं कि ये, और इतना मतलब हम एक कह सकते हैं ना कि एक पापा भी उतने ही स्ट्रांग रोल है और गुरु भी उतना ही स्ट्रांग रोल है, दोनों अपने अपनी जगह पे बहुत ही परफेक्ट है, तो करेक्ट, इस चीज के लिए तो हम वी आर वेरी लकी। और गुरु के जब वो रोल में होते हैं या हमारे जब गुरु होते हैं तो बिल्कुल उनका डिसिप्लिन, उनका सब कुछ, मतलब उनका सुनना, उनका रियाज लेना सुबह सुबह उठा के, हाँ सुबह
तो वो सिर्फ रियाज लेने से ही नहीं, वो उठाने से वो सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि अभी ये सब इंटरनेट और ये सब हम सभी लोग उसको रिलेट कर पाएंगे कि रात में थोड़ा सा देर हो जाता है सोने के लिए, तो पर ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा ज्यादा भी उसमें टाइम नहीं जाता है, लेकिन सुबह उठना फिर उसका रियाज करना इसीलिए वहां से शुरू होता है। तो एज अ गुरु मुझे लगता है पापा बहुत क्या क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही अहम किरदार वो निभाते हैं, क्योंकि हर चीज हमें सिखाना, क्योंकि बाहर हो आप तो आपको करना ही पड़ता है, ये तो आपको पता होता है कि आप बाहर कहीं सीख रहे हो तो आपको करना पड़ता है, उनका सुनना पड़ता है। तो ऐसा हमारा हमको घर में भी ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा नहीं होता है कि घर में ही है चलो, तो ऐसा करने से मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है बात। ठीक है थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम मराठी में कहते हैं ना ढील देऊ शकतो अपन, थोड़ी एवढी नहीं पड़, सो वो जो हमारा रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है, और पापा का तो अंजलि बताएगी क्योंकि हम तीनों बहुत मस्ती करते हैं। पापा पापा एंजल जब होते हैं तब बहुत हम मस्ती करते हैं, बहुत एंजल साथ में टीवी देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब गुरु कतार में जब पापा आते हैं तब एकदम मतलब आपने सिंगल आइडल में उनको कहते थे हरिकारक बापू तो परफेक्ट है एकदम। एंड होने की वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे एक मेंशन करना चाहती हूँ, मेरे हमारे पापा के जो गुरुजी हैं पंडित शांताराम वाचगिरी गुरुजी, मैं उस पर जिनके आने पास वाली से थी। जिनके पास से उन्होंने सीखा, और उसके बाद उनका जो सब कुछ है वो हम आगे ले लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बिल्कुल हम उसको न्याय देंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? या पहले थोड़ी सी कट हो रही थी पर नाउ इट्स बेटर। अभी आ रही है ना? अभी आ रही है। यस ओके सो नंदिनी ये बहुत अच्छी बात बताई, और जो आपको वो ना वो रियलाइज हुआ है कि नहीं हमें एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है और वो हमें अच्छी तरह से निभानी है, तो यस इतनी छोटी उम्र में ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं हमारी जनरेशन थोड़ी सी सोशल मीडिया और थोड़ी थोड़ी सी भटक सकती है, भटक जाती है, पर आपके जैसे भी हमारी जनरेशन में लोग हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे ट्रेडिशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको जानते हैं और वो आगे ले जा रहे हैं। इट्स वेरी गुड थिंग। एंड मुझे और एक पूछना है कि आप रियलिटी शोज का आप दोनों को बहुत एक्सपीरियंस है, और जैसे कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक प्लस माइनस पॉइंट्स दोनों भी होते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगी रियलिटी शोज के बारे में? आपने दो तीन रियलिटी शोज किए हैं, अलग अलग, मराठी में किए हैं, हिंदी में किए हैं, और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर किए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या प्लस पॉइंट्स थे, और क्या आ, 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 उसका उसके माइनस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव भी बिल्कुल हमारी जर्नी हो सकती है, उन पर क्या आपकी राय है यहाँ नंदिनी? पे मैं एक मतलब जो जो आपने कहा कि उसके माइनस पॉइंट भी है और बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म हु वांट टू बिकम अ सिंगर, प्लेबैक सिंगर आई आई वुड से, क्योंकि हम शास्त्रीय में हम क्लासिकल में यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रियाज करते हैं और आगे जाते हैं, तो जिनको क्लासिकल ज्यादा नहीं लेकिन उसका थोड़ा सा समझ होता है, और जिनको अच्छा गला होता है, अच्छी मतलब थोड़ा सा ऊपर बोलते हैं ना वो, जैसे श्रेया घोषाल मैम है तो उनके जैसा थोड़ा सा हाई रेंज वाला हाई जो गला रेंज होता है, हाँ, गला तो उनके लिए उनके ही लिए नहीं बाकी सबके लिए भी, लेकिन उनके लिए ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है रियलिटी शोज। तो
हमने भी बहुत मतलब दो मैंने दो रियलिटी शोज किए और एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि पहला बहुत नई नया एक्सपीरियंस था हम दोनों के लिए भी. पहला जो संगीत सम्राट का था उसमें हम एज ए डुएट थे, तो उस टाइम बहुत मजा आया क्योंकि डुएट में पहला डुएट में कुछ वो करना चाहते थे हम दोनों के साथ, तो ये बात ही हमें ये कॉन्सेप्ट ही हमें बहुत अच्छा लगा और हमने फिर बहुत ऐसे ऐसे गाने चुने. उसमें घई छंदा बहुत पॉपुलर हुआ और उसके बाद ऋणानुबंधा चा और उसके बाद बापू सेहत के लिए, ये सब गाने हमने ट्राई किए वहां पे और वो बहुत अच्छे लगे लोगों को भी, जजेस को भी अच्छे लगे. जजेस वाज आल्सो अमेजिंग, आदर्श आदर्श शिंदे और क्रांति क्रांति रेडकर. सो ये दोनों जजेस थे और क्रांति रेडकर इज नॉट नॉट अ सिंगर और नॉट अ म्यूजिशियन, बट शी हैज अमेजिंग नॉलेज. मतलब बहुत लोग ऐसे कहते थे कि क्यों उनको ये किया और क्यों, पर हमें पता था और हमें वेरी गुड लिसनर. सो वो बहुत ही अच्छा मतलब बताती थी गाने में क्या हुआ, एक्सप्रेशंस के बारे में या सुर के बारे में भी बहुत अच्छा उसको ज्ञान था. तो वो हमारे हम दोनों की बहुत फेवरेट थी, तो वो मतलब हम दोनों को बहुत अच्छा वो ये करती थी. क्या क्या बोलते हैं उसको, तो यस यस हाँ हाँ प्रोत्साहित करती. अभी नंदिनी घेई छंद का घेई ने कहा तो हम सुना सुनेंगे जरूर. जी जी नंदिनी मुझे बताना है कि मेरी भी बहन है तो मुझे पता है कि दो बहनों का क्या रिलेशन होता है. पर
ये तो है ही, पर गाने में आप कैसे एक दूसरे को देखते हैं? क्या वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन होता है, मतलब हेल्दी कंपटीशन? तो ऐसा कुछ आप करते हैं, या रियाज रियाज को जब बैठते हैं तो कैसे थोड़ा सा एक दूसरे से भी हम सीखते हैं? तो आपका ऐसा कुछ रियाज का टेक्निक है, और कैसे आप देखते हैं एक दूसरे के गाने की तरफ? जी बिल्कुल। अंजलि का जो है वो उसको हम सब लोगों को पता है कि उसको तान बहुत उसकी तान बहुत अच्छी है, उसको गले को फिरत बहुत अच्छी है। तो ये कैसे उसने, मतलब वो ओनली इट्स नॉट ओनली गॉड गिफ्टेड, उसका रियाज भी उतना किया गया है, उस पे काम भी उतना किया गया है। तो करेक्ट, कुछ कुछ चीजें मैं उसको उससे बहुत मुझे सीखने को मिलती है कि तान का रियाज और कैसे कंट्रोल यस में तान होनी चाहिए और कैसे मतलब कैसे गाना चाहिए, कैसे थ्रो कैसा चाहिए। क्योंकि अभी वो इंडियन आइडल में भी जाके आई, तो इंडियन आइडल में भी बहुत अच्छे मेंटर्स हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ के भी बहुत अच्छे गुरु लोग हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ बातें सीखी है। मैं भी कुछ दिन वहाँ पे थी तो मैंने भी बहुत कुछ बातें उनसे सीखी है। तो ये कुछ बातें हैं वो उससे मुझे सीखने को मिलती है, और हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है मैं कहूंगी। क्योंकि आपने जैसे कहा कि दो बहनें कैसा होता है, सबको ही पता है उनका रिलेशन कैसा। फ्रेंडशिप ज्यादा जी होता जी है बिल्कुल हाँ। तो दो फ्रेंडशिप भी ज्यादा है और हम दोनों झगड़ते भी बहुत है तो वो भी सुर में होता होगा अंजलि, आप दोनों को ही बहुत बड़े कलाकारों से, बहुत बड़े म्यूजिशियंस से ब्लेसिंग्स मिली है, बहुत सीखने को भी मिला उनके जैसे ही द ग्रेट यार रहमान जी के पास आपने गाया, राइट? तो क्या एक्सपीरियंस था? मतलब यूनिक एक्सपीरियंस होगा, और हम सब जानना चाहेंगे। नहीं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, नहीं नहीं काई से नहीं। नहीं, अजीबा तो नहीं है थे। ठीक है, मैं ईयरफोन्स कार्डलेस तेरी चालेल। चले, बोलता ना एवढा कट नहीं होता है, तर ब्लूटूथ शायद वो कनेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर, पर ठीक है। वैसे भी अंजलि आ आ रहा था आवाज, थोड़ा सा गाने के वक्त वो ब्रेक हो रहा था। अंजलि बोल, गाय तरी हाँ, कुछ? अभी आ रही है, हाँ, आ रही है अभी। ये फुल यस क्लियर आ रही है। यस 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 बस ओके। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। तो यस, मैंने पूछा कि ग्रेट कंपोजर ए आर रहमान के पास आपने गाया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड मतलब मैं जब मेरा रिकॉर्डिंग हुआ रहमान सर के स्टूडियो में, तब मैं 11 साल की थी। मतलब सारेगामापा से भी पहले उन्होंने मुझे बुलाया था, एंड उन्होंने मेरा एक मतलब उनके मैनेजर ने एक मेरा वीडियो देखा था, हे सुरानो ओके चंद्रभा, एक मराठी ओके सॉन्ग, नाट्य गीत है। सो वो एक गाना देखा था, तो वो बोले कि अच्छा गा रही है ये बच्ची, देखते हैं बुला के, इसका आवाज बहुत अच्छा लगा।
सो रहमान सर के को भी वो बहुत ही अच्छा लगा एंड उन्होंने कहा कि बुलाते हैं. सो उन्होंने बुलाया मुझे उनके पवई के स्टूडियो में. सो मैं 11 साल की थी तब. मुझे मतलब इतना नहीं पता था कि रहमान सर ने हमें बुलाया है एंड इतना बड़ा चांस वो हमें दे रहे. मतलब वो इतना कुछ समझ में नहीं आता था कि इतना बड़ा मौका मिल रहा है हमें. कितनी लकी हूँ मैं. ऐसे ही गई थी. मतलब हम जा रहे किसी बड़े स्टूडियो में, किसी ने बुलाया है. सो मैं गई. सो पापा ने मुझे बताया कि रहमान सर ने बुलाया है तुझे. मतलब आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं. सो मैंने मतलब मैं शॉक हो गई एंड मतलब कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे. एंड थोड़ी देर के बाद मैं वेट कर रही थी कब आएंगे, कब आएंगे सर, कब मैं मिलूंगी. एंड मतलब मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे गाने सुने उनके एंड मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी. सो वो आए एंड आए वो एंड एकदम सीधे तरीके से बात कर रहे थे. एंड मतलब उनकी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश एंड वो तमिल एंड तेलुगु में बोलते हैं ज्यादा. सो उनके मैनेजर ने मुझे समझाया कि वो क्या बोल रहे हैं. सो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा गाती है एंड हमारी एक फिलम है सचिन द बिलियन ड्रीम्स. सो उसमें आपको गाना है. एंड उसके वाह. पहले उन्होंने मेरी एक बंदिश सुनी. कुछ सुनना चाहते थे वो पहले. सो मैंने मालकोस की बंदिश गाई उनके सामने. थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा डर डर के गाई गा रही थी. मतलब कैसा लगेगा उनको. एंड इतने बड़े मतलब म्यूजिक के गॉड है वो. मतलब मैं ऐसा मानती हूँ. एंड उनके सामने मैं थोड़ा करेक्ट. सा गा रही थी, मालकोस गाया. सो उन्हें बहुत अच्छा लगा. एंड उन्होंने बुलाया स्टूडियो में गाने के लिए. हेडफोन लगाया एंड मैं गाती गई, सुनती गई, गाती गई. एंड कुछ मतलब मैं मेरी तरफ से भी कुछ वेरिएशंस उसमें ऐड कर रही थी. तो वो रहमान सर को भी बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब कि वाह वाह, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, अमेजिंग. सो वो एक बहुत ही मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि रहमान सर मेरी तारीफ कर रहे हैं. या मतलब एक उनकी तरफ देख के ही ऐसा लग रहा था कि हम किसी महान इंसान से बात कर रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं. सो वो एक ऐसा महसूस हो रहा था. सो वो सब हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ. एंड वो सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा. मतलब कंपोजिशन उसकी बहुत ही अच्छी थी, मर्द मराठा. अंजलि, दो दो लाइन. एक्चुअली वो रिदम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि वो ओ या ओके. इफ इफ यू आर कंफर्टेबल, अदरवाइज विल स्किप. यस यस, क्योंकि वो गाना ऐसा है ना कि वो रिदम में ही थोड़ा सा एक या मजा यार, आता है उसका, करेक्ट करेक्ट. इसलिए. ओके ओके, नो इश्यूज. और बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया, राइट? आई थिंक रिसेंट इन फेव आपके दोनों के बारे में किया. आपको तो सुना यस था, बट बिल्कुल. नंदिनी को भी उन्होंने सुना. और आई थिंक द ट्वीट वॉज वॉट अ ब्लेस्ड फैमिली. सम ऑफ दिज आर्टिस्ट ब्रिंग बैक द लॉस्ट ब्यूटी एंड होप इन आवर लाइफ्स. क्या बात है. लेट द अलमाइटी ब्लेस यू इन अबेंडेंस, अंजलि एंड नंदिनी गायकवाड. मतलब हर रिसेंटली एक उन्होंने लाइन, ट्वीट हर एक शब्द किया. कितना उन्होंने सोच कर और बहुत मन से वो लिया है, वो दिखता है, राइट? बिल्कुल. तो वाह, मतलब बहुत और ही ये जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था उस दिन अंजलि वाज इन इंडियन आइडल शेड्यूल. सो यस. मुझे लगा आई थिंक आशीष भैया ने हमें बताया था, है ना? हाँ हाँ, यस तो आशीष भैया ने ट्वीट देखा था पहला, और पहली बार एकदम. और उसने मतलब एकदम उसको इतना, क्योंकि आशीष भैया इज अ डाइन हार्ड फैन ऑफ ए आर रहमान सर. सो उसने देखा और अंजलि को अंजलि अंजलि करके, अरे रहमान सर ने ट्वीट किया है यस तेरे और नंदिनी के बारे में. मतलब एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था. मुझे बताया कि ट्वीट किया है, मैंने देखा. तो मतलब मैं और उसने विश्वास मुझे ही नहीं कर पाई. फोटो भेजा, मैंने वो देखा नहीं क्योंकि सुबह के कुछ 8 साढ़े 8 बजे थे और मेरा रियाज चल रहा था. मैंने फोन किया ऐसे ही, मैंने मेरे को पता नहीं था कि उसका कुछ मैसेज वगैरह आया. मैंने ऐसे ही फोन किया, क्या चल रहा है कुछ नहीं. तो शी वॉज लाइक, तूने फोटो नहीं देखा, मैंने एक फोटो भेजा है देखो. मैंने एकदम से देखा, माई गॉड, रहमान सर ट्वीटेड.
बहुत ही बड़ा ये मतलब इट वाज अ ऑनर ऑनर करेक्ट 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 एब्सोल्युटली. और ये सब है आपकी जर्नी और आपका बिजी स्केड्यूल होता है, तो ऐसे कुछ तो आप रियाज कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग, कॉन्सर्ट्स, रियलिटी शोज, आप पढ़ाई भी है, तो कैसे मैनेज होता है ये सब? क्या ऐसा रियाज का मतलब शॉर्टकट तो है नहीं रियाज को, पर ऐसे कुछ है कि बहुत ट्रैवलिंग हुआ है अभी, गाने को वक्त नहीं मिला, पर गला हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, बिफोर द कॉन्सर्ट हमें थोड़ा सा गाना है, तो वो क्या एक होता है जो गाके आप स्टेज पे जाते हैं जब बहुत ऐसा हेक्टिक स्केड्यूल होता है? बहुत बार ऐसा हो चुका है. एंड रियाज तो करना ही पड़ता है क्योंकि वो तो मेन चीज या है, या उससे नो ही नो सब ऑप्शन बेस करेक्ट पक्का होता है हमारा. सो कभी करेक्ट. कभार पैक शेड्यूल की वजह से हम रियाज नहीं कर पाते, या कभी कभार बहुत सुबह प्रोग्राम होता है 5 बजे या 5:30 बजे सुबह के प्रोग्राम होते हैं. सो उनमें हम थोड़ा सा मतलब जो बेसिक है हमारे गले के लिए जो बेसिक है, क्योंकि हमें प्रोग्राम में गाना ही पड़ता है. सो उससे पहले हम ज्यादा रियाज भी नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा सा गाना वार्म भी नहीं अप चाहिए, टाइप हम वार्म अप वार्म अप टाइप. करेक्ट हाँ मतलब ज्यादा गाना भी नहीं चाहिए, हमारा प्रोग्राम होता है तो उससे पहले थोड़ा सा शांत गला. तो थोड़ा सा हम बेसिक थोड़ा सा वार्म अप करते हैं. एंड उसके बाद हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर लेते ही हम गरम पानी. तो वो गर्म पानी पीते हैं. सो हमारे गले का जितना हम ध्यान रख सकते उतना रखते हैं. एंड रियाज के अलावा भी जो बाकी चीजें है कि हल्दी वाला दूध पीते हैं, या जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, मतलब कुछ आयुर्वेदिक हो मतलब थोड़ा सा खा लेते हैं. सो उसके बाद हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं. सो वो भी एक जरूरी होता है, काम में आता है. करेक्ट करेक्ट. ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो आप फॉलो करते हैं, ये नहीं खाना है बिल्कुल ऐसे? बिल्कुल, हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं. हम ज्यादा चाट वाली और ये सब तला हुआ वो ये सब नहीं खाते, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम गाते इसलिए नहीं खाते, लेकिन कभी कोई 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 जो लोग होते हैं ना जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी खाओ और वो गा भी या सकते, पर एग्जैक्टली हेल्दी हेल्दी. हाँ हम उसमें से नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमको इफेक्ट होता है गले पे कुछ ज्यादा तला हुआ या ज्यादा मतलब ज्यादा ठंडा खाया और ज्यादा कुछ ये खाया तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, तो हम ज्यादा नहीं वो खा पाते हैं. या तो वो बहुत ही इंडिविजुअल आई थिंक है, कि जैसे नंदिनी ने कहा कि जैसे भी सिंगर्स हैं वो कुछ भी खाए वो गला बिल्कुल ठीक होता है, और ऐसे भी है कुछ भी थोड़ा सा ठंडा खा लेते हैं तो गला पूरा बदल जाता है. सो या दैट इज़ गुड थिंग कि आप अपने गले की केयर करें. नंदिनी, आप क्लासिकल भी गाते हैं, सेमी क्लासिकल, लाइट, सब जॉनर आप अच्छी तरह से गाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ कर गाते हैं, पर आपके सबसे करीब जो गाके आपको एक सुकून मिलता है, वो कौन सा जॉनर है और क्यों? ऑब्वियसली इट्स क्लासिकल. ख्याल, बंदिशे, ये सुन के भी और ये गा के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुछ सब कुछ करके रखा है, गा के रखा है. तो YouTube इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसपे हम सुन सकते हैं, सुन सकते. अच्छे अच्छे लोगों का सुन सकते हैं, तो वो सुनते हैं बहुत. मुझे लगता है कि हम गाने से ज्यादा हमको सुनना भी चाहिए, क्योंकि सुनने से विचार बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है. मेरे होती पापा है क्रिया से. जी पापा कहते हैं कि आप जितना सुन सकते हो उतना सुनो, क्योंकि सुनने से आपको फिर आप ज्यादा रियाज भी, रियाज इट्स फॉर गला, फिजिकल गले के लिए हम, हाँ फिजिकली, या फिजिकली रियाज के लिए, रियाज उसके लिए होता है, पर हम सुनने से बहुत दिमाग में
और जिन लोगों का आप सुनते हैं उन लोगों का असर भी पड़ता है, तो किनका सुनना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए, वो भी बहुत पापा हमें बताते हैं, और वो जैसे बताते हैं हम उनका सुनते हैं, और सभी का ही सुनते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक होता है ना कि हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं इनको, या थोड़ा सा उनके जैसा हमको ऐसा लगता है कि उनका और हमारा कुछ मिलता जुलता है, और वो हम वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा लगता है ना, तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो ये सब सुन के और सुन सुन के मुझे लगता है कि विचार बढ़ता है। क्या बात, करेक्ट करेक्ट। अंजलि, यू हैव द सेम आंसर या आपका कुछ अलग नहीं, यस यस, यही हम दोनों मतलब साथ में ही सब सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं क्लासिकल को, हम मतलब ज्यादा सुनते हैं, सो उससे हमारे विचार बढ़ते हैं, यही वही कहना है मेरा। कौन से कौन किनका गाना आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है क्लासिकल म्यूजिक में? क्या बहुत सुनते हैं, क्या अच्छा लगता है? पहले तो हम पापा से सीखते हैं, तो उनका हम मतलब वो तो इंस्पिरेशन है ही हमारे। एंड हम क्लासिकल में ज्यादा मालिनी राजूरकर जी है, कौशिकी चक्रवर्ती जी है, बाकी उल्लास कशाळकर जी है, व्यंकटेश कुमार जी है, उनका ज्यादा सुनते हैं हम। एंड हमारे सामने वही इंस्पिरेशन रहते हैं कि उनका सुन के हमें ऐसा करना है, ऐसा गाना है, ऐसी गायकी हमारी तैयार करनी है, ऐसा करना है, हम ऐसे सुनते हैं। वाह वाह वाह। और ये सब आप सुनते हैं और वो विचार आपके गाने में भी दिखते हैं, तो आप मतलब लाइट म्यूजिक भी गाओ ना तो भी वो एक क्लासिकल का जो संस्कार आपके दिमाग में है दिखता, ना, और जो विचार है वो लाइट में भी होता है, राइट? ऐसा नहीं हाँ कि सिर्फ आप ख्याल गाओ तो ही वो क्लासिकल होता है, वो बिल्कुल सोच बिल्कुल, जो होती है वो हर जॉनर में दिखती है, वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है। सो बहुत अच्छा विचार है। और नंदिनी, आप अभी के क्लासिकल सिंगर्स को जो अपकमिंग है या जो पूरा उन्होंने क्लासिकल के लिए ही अपना जीवन समर्पित करने के लिए सोचा है, फुल टाइम जो क्लासिकल म्यूजिक कर रहे हैं, क्या आप उनको भी सुनते हो और कौन अच्छा लगता है उनमें से? और जी क्या जी लगता बिल्कुल। है क्लासिकल, बहुत से लोग हैं कि नहीं क्लासिकल थोड़ा सा पीछे जा रहा है, कोई नहीं सुनता, और एक साइड ऐसे भी है कि नहीं बहुत अच्छा होगा क्लासिकल का फ्यूचर, क्लासिकल इज द बेस तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो उस पर क्या है जो करंट सिचुएशन है और जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लासिकल में, उनके बारे में आप क्या, और आप सुनते हो उनको तो कौन आपका बिल्कुल हम सुनते हैं, क्योंकि मतलब बड़े बुजुर्गों का तो सुनना ही चाहिए। हम जैसे अंजलि ने नाम लिया, मैं डीवी पलुस्कर जी का भी बहुत सुनती हूँ, वेंकटेश कुमार जी है, लेकिन अभी जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, अपकमिंग मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो बहुत ही अभी अभी बहुत बड़े मतलब बहुत ही उम्दा कलाकार है सब लोग, गाइड? तो कुछ कुछ मेरे मतलब सौभाग्य की बात है कि कुछ उनमें से किन किन लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे संबंध है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कभी फोन करती हूँ या कभी कुछ उनको पूछती हूँ, तो बहुत अच्छे से एक बड़े भाई या बड़े बहन के नाते से वो मुझे सलाह देते हैं, या हम कह दो कि वो बहुत अच्छा बताते हैं जो मुझे चाहिए। तो आई वुड से कि मैं आदित्य मोड़क है वो, क्या इज बात, अमेजिंग, हम क्या बात, सबको ही पता है, तो आदित्य मोड़क भैया का मैं सुनती हूँ, गंधार देशपांडे का भी मैं सुनती हूँ, वो भी बहुत, और उनके जो गुरु है पंडित राम देश पांडे जी, उनका भी मैं सुनती हूँ बहुत, नागेश अड़गाकर है, नागेश दादा, सो नागेश भैया का वाह सुनती वाह, हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका मैं सुनती हूँ। और पर्सनली मुझे तबला बहुत पसंद है सुनने को, और क्या तबला भी बात मैं है, बहुत बहुत सुनती हूँ, यशवंत भैया है, ईशान है, विवेक है, इन सबका भी मैं तबला बहुत बहुत सुनती हूँ। वाह। अंजलि, यस, अभी मैंने
बताया वैसे ही मैं जैसे मुझे तबला सुनना पसंद है वैसे अंजलि को बजाना पसंद है, am I right? यस यस रियली बजाना आप सीखे हुए हैं? नहीं 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 सीखे नहीं, लेकिन सीखे उसको पता है यस ठेका है, यस बता पता है हाँ मतलब बस पता है थोड़ा है, मतलब तबला सीखना मुझे अच्छा लगता है, बजाना अच्छा लगता है, सिर्फ उसके लिए वाओ मेन चीज मतलब टाइम नहीं है तो हाँ वही वही बीच में थोड़ा सा, बट मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जब टाइम मिलता है तब मैं तबला निकालती हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मोबाइल पे देख देख के मैं वाओ करती हूँ प्रैक्टिस, दैट्स वेरी तो अच्छा गुड लगता है। वाओ एंड तबला बहुत मतलब एक बहुत अच्छा लगता है तबला जब कोई बजाता है वाह क्या बात। यस तो हम थोड़ा सा एंड में आ रहे हैं इंटरव्यू के। यस और मुझे पता करना है आपका, माँ भी आपके साथ हमेशा होती है राइट, पापा दिखते ही है, पर एक पूरा फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उनका सपोर्ट जो होता है हर एक छोटी चीज़ बिल्कुल में तो वो बहुत मायने रखता है, तो वो कैसा होता है, कैसा एक रिलेशन है माँ के साथ भी? माँ के साथ बहुत मतलब क्या कहे, एक ऐसे बोलते हैं ना, कलाकार को संभालना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे तो घर में तीन तीन कलाकार है, तो तीनों को मम्मी को संभालना पड़ता है, और वो शी डज इट अमेजिंगली और बहुत ही अच्छा तरीके से। क्योंकि कभी कभी कुछ आ, आ, हमारे मन के जैसा नहीं होता है, कभी जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है, तो कभी कभी दिमाग में वही बात रहती है, तो वो घर पे आके थोड़ा सा वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बोलते स्ट्रेस हैं ना कि घर की बात घर पे, ऑफिस में आके ऑफिस में ही ऑफिस की बात, तो कभी कभी ऑफिस की बात घर पे आ जाती है, तो उसको संभालना पड़ता है। वो तो काम मम्मी ही करती है। तो बट मम्मी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मम्मी इज अ वेरी गुड लिसनर, बहुत ही अच्छा सुनती है वो। और मैं अभी भी जब भी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, जब भी कुछ नया रिकॉर्ड करती हूँ या सुनाती हूँ, तो मैं सबसे पहले पापा से भी पहले मैं मम्मी को सुनाती हूँ कि ये सुनो और क्या बताओ बात कैसा लगा। तो वो बहुत है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे भी करेक्ट मतलब सिंगर्स या म्यूजिशियंस के भी ध्यान में नहीं आती है। वो जाती बहुत मतलब करेक्ट एकदम से बोल के जाती है कि ये मुझे ऐसा, मतलब मुझे लगा तुम इतना अच्छा है तो तुमको तो पता ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और वो बात उसमें कुछ बात होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब वो मैं फिर अच्छा करती हूँ और अच्छा करके हम फिर सोचते हैं उसको फिर सुनाती फिर हूँ। जी से जी उस पर। बिल्कुल। तो मम्मी और हमारा रिलेशन बहुत बहुत ही प्यारा है। वाह अंजलि यस मतलब मम्मी पापा मम्मी दोनों ही प्यारे हैं मेरे, एंड मम्मी को सिंगिंग बहुत पसंद है, वो थोड़ा थोड़ा गाती भी है उसको आवाज कट हो तो है मतलब जब थोड़ा सा कनेक्शन। आई थिंक नेटवर्क इशू है थोड़ा। हेलो यस नंदिनी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं आप नहीं अलग अलग जगह पर हो या एक ही हाँ जगह यस पर यस हो? अलग अलग जगह पे है। अच्छा, ओके। हाँ अंजलि अभी शायद आएगा। अभी आ रही है यस यस या यस कंटिन्यू या अरे हेलो सॉरी अभी आ रही यस आवाज? यस अभी आ रहे यस 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 यस। सो मम्मी भी थोड़ा थोड़ा गाती है, सो उसको भी नॉलेज है, एंड जैसा दीदी ने बताया सो मैं भी कुछ गाना रिकॉर्ड करती हूँ या कुछ नया सॉन्ग दिखाती हूँ तो पहले मम्मी को बताती हूँ या मम्मी को सुनाती हूँ,
मम्मी बताती है कि ये थोड़ा ऐसा करो या ये बहुत अच्छा हुआ है. बहुत अच्छा लगता है कि उससे भी कुछ सीखने जैसा है. एंड गाइडेंस होता है, राइट? पापा के बाद मम्मी मेरी दूसरी गुरु है ऐसा मैं कहूंगी. एंड बहुत मतलब हमारे घर में ही एक सांगीतिक एटमोसफियर है. करेक्ट. अच्छा लगता है मतलब मम्मी का और हमारा बॉन्डिंग वाह, बहुत अच्छा है. क्या बात है, वेरी नाइस. सो नंदिनी एंड अंजलि, आगे का क्या कुछ प्लानिंग है, और खास करके क्लासिकल में, क्लासिकल के बारे में क्या सोचा है, उसके बारे में कुछ? मैं ये बताऊंगी कि मैं आगे क्लासिकल म्यूजिक में ही करियर करना चाहती हूँ. एंड यस, अभी ये मेरा हम दोनों का 10th पक्का डिसीजन है. है कि यस हम एंड 10th हुआ है दोनों मेरा. जो कुछ भी करेंगे वो क्लासिकल में ही करेंगे. यस अभी मेरा उस क्लासिकल क्लासिकल. बेस पे फिर बाकी सब कुछ तो आता ही है, सब तो है ही, लेकिन बेस यस क्लासिकल ही रहेगा आखिर यस तक. और उसमें ही हम ये सागर, ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ा सागर है म्यूजिक का, क्लासिकल का. तो इसमें हम थोड़ा भी कुछ कर पाए, थोड़ा उसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद से और सबके साथ से, पापा के आशीर्वाद से थोड़ा भी जो कुछ भी कर पाए, लोगों को उसका आनंद दे पाए, तो वो भी बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है. और उसी मतलब वही करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार कर रहे हैं खुद को. यस. और वाह. अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि बॉलीवुड म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक. मैं ये कहूँगी कि क्लासिकल म्यूजिक ये बेस पकड़ के ही बाकी सारे जो जॉनर्स है यस 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 मतलब वेस्टर्न है, फोक है, हम कहते हैं रियलिटी शोज में जो ज्यादा पसंद करेक्ट करते हैं हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, करेक्ट. वो भी उसमें ही आता है. वही बेस पकड़ के वो भी हम सॉन्ग्स गाते हैं, आप सुनते ही है. वही हम वो भी हम ट्राई करेंगे, गाएंगे. यस हमारी कोशिश वही रहेगी कि आपको खुश करे, आपको मतलब जो आपको पसंद है वही करे. वाओ, सो नाइस, एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें यस करके. और एंड मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, क्योंकि मुझे गारंटी थी आप क्लासिकल ही बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल आपकी परवरिश बिल्कुल. और मैं ये बात कैसी भी तालियों की. सब जो देख रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्षितिजा दीदी जो हमारा अभी इंटरव्यू ले रही है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी सिंगर है, मैंने भी उनका सुना है. और शुभदा ताई से वो सीखती है, और बहुत मतलब वो उनका तो क्या कहें, थैंक लेकिन आप यू. बहुत वो बहुत अच्छा तो गाती शुभदा है. ताई को और मैंने बताया, आज ही हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ सुबह, तो उनको पता था कि मैंने भी बताया कि दोनों का इंटरव्यू लेने वाली हूँ. वो भी आपका सुनते सुनती है, और थोड़ी एक बार आपका एक विषय भी निकला था पिछले क्लास में, तो बहुत बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स है वो. शायद आपके आपके बिल्कुल तरफ वो क्या बोलते हैं, वो आ नहीं पाती, पर इनडायरेक्टली बहुत ही ब्लेसिंग्स है. तो करते रहिए, आप जरूर करोगे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच अगेन, आप आए और हमारे सब जो ऑडियंस है क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया के, उनके लिए आप आए और बहुत अच्छी बातचीत की. गाना तो हम सुनते हैं, पर ये जो छोटे छोटे ये जो बातें होती है वो नहीं कर पाते, तो बिल्कुल इसलिए ये सीरीज हमने शुरू की. और थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड थैंक यू. अंगद जी गायकवाड़ काका को मेरा नमस्कार, एंड जरूर मिलेंगे फिर से. मिलेंगे. यस यस, जरूर. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक एंड थैंक यू सो यू, मच थैंक ऑल ऑफ यू यू सो सो मच ऑल ऑफ मच यू. जर्नी. थैंक यू, थैंक्स सगळ्यांना अ थैंक यू लॉट सो मच, जो धन्यवाद. यस. तो हमने हिंदी और इंग्लिश में ही हमने यस बातें की, क्योंकि बहुत लोग हैं उनको मराठी नहीं समझ में आती, तो उनके लिए ये था. और सभी जो व्यूअर्स थे उनके उनको भी बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए. बिल्कुल सीरीज आगे कंटिन्यू होने वाली है, ऐसे बहुत लोगों को हम इनवाइट करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट अंजलि एंड थैंक नंदिनी यू सो अगेन, मच, थैंक थैंक यू, यू, बाय, थैंक यू. बाय बाय.